का भाव बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसने का यही एक सही समय था। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। कोई बचने ना पाए। मेरे लड़कों को ही अंदर कर दिया, किसके लड़के हैं जानता है क्या वो? फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस बॉम्बे वॉज ऑन हाई अलर्ट। दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। भाई, लेकिन रॉकी, रुक जाओ सलीम भाई, रॉकी नहीं मिला है, मिलने के बाद बताऊंगा, रुक जाओ। वो मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। पता, पता रॉकी किधर है? लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया, क्या फायदा, पहले उसको पकड़ो, जाओ सब जगह छान मारो, ढूंढो उसको। क्या है बे? वो मिल गया, चलो। अपुन का बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जाबे, जाकर मेरे बाप को बोल तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। क्या रे असलम, तुम लोगों ने चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? कोई मर गया क्या? ओए छोटू साहब, पुलाव लेकर आ, ऐसे क्या देख रहा है? अरे जान, रॉकी को पकड़ लिया है। रॉकी मिल गया, मान लेके आ जाओ। चलो, इनायत खलील की बोट हमारे बंदरगाह तक पहुंच रही है और बंबई हमारे हाथ से निकल रही है। आज जब उनका बर्थडे है, मुझे तोहफे में उसका दिल, उसकी दोनों आंखें मांगता है। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो? छोटू, पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ, उसके साथ कांदा थोड़ा ज्यादा मार के लाना। थैंक यू सर। या खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता, ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। लटका रखा है उसको। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे तूफान को लटकाते नहीं, ये क्या रहा है? मार उसको। तूफान से भागते हैं। बंबई मेरी है बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक साथ एक जगह फंस गए। वो उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मारेगा। साला अपन का खून भी तो ला लिया है। बचपन में ही बंबई आ गया था, सीधा भट्टी में छोड़ दिया गया। इधर एज गलियों में दो वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बंबई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी और खंजर खाली काटता है। बंबई के तेरे बाप कह के मैं? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं। मारो, मारो इसको।
सिर्फ इतने में डर गया? उनका तो खाली बैंड बजाया था, लेकिन तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा। भाग। मुंबई में एक तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। यहां अगर मछलियों को भी किनारे आना हो तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती है।